अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि चैप्टर वहाँ चल रहा है सिस्टम ऑफ रियल नंबर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, इसका हमें क्वेश्चन गिवन है 200 160 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 25 1 अपॉन 2 डिवाइड बाई 1 अपॉन 25 ब्रेक इट क्लोज माइनस का 3 एंड डिवाइड बाई 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को रीराइट करते हैं हम लोग। सही है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक, ब्रैकेट की वैल्यूज किसने सॉल्व करेंगे, 216 या 25 दिया हुआ है या 1/25 दिया है। सबसे पहले हम इनके एलसीएम लेके इनको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। सिक्स थ्री ज़ा 18 और यहाँ से हमें 3 इसको कैरी दिया तो ये हो गया 36। 6 6 ज़ा 36 अगेन 6 6 ज़ा 36 एंड 6 1 ज़ा 6। तो हमने यहाँ इसका एलसीएम ले लिया। उसके बाद ये हमारा है 25 का एलसीएम, तो हम 25 का भी एलसीएम ले लेंगे। 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 एंड दोबारा 25, तो यही एलसीएम है इसका। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसका ब्रैकेट ख़त्म करेंगे अगले स्टेप में। अब आपको पता है ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद हम क्या लगाते हैं, 1/2, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई वैल्यू से दी हुई, जब भी हमने 1/2 लिखा है। अब हमने इसका एलसीएम लिया था, यहाँ पे आया 6 6 की पावर 1 2 3, तो यहाँ 6 की पावर हमने 3 लगा दी, 2/3 बाहर था ब्रैकेट के। यहाँ 5 2 टाइम आया है तो 1/2, और फिर यहाँ पर 1/5 5 5 की पावर 2 3/2 माइनस का 3/2। क्लियर, अब इसके आगे के स्टेप सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। अब मल्टीप्लाई बाय 2 / 3 मल्टीप्लाई बाय 5 2 1/2 1/5। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर 1/5 है, अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 5 ही आ जाएगा, 1/5। पहले मैं आपको यहाँ पे उतरवा देती हूँ, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 / 2। ठीक, अच्छा ये 1 वो है, अगर हम लिखे जब भी प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई यहाँ दूसरी वैल्यू होती तो उसको लिखना लाजिम होता। अब यहाँ पे अगर लिखे या नहीं लिखे कोई इशू नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कैंसिलेशन करते हैं। देखें 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ क्या सॉल्व हो रहा है हमारा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो वैल्यूज हमारी बची थी वो लिख देंगे। इसके पास हमें क्या वैल्यू बची, 2 बची है, 5 कुछ भी नहीं वैल्यू बची, तो हम बस सिंपली 5 लिख दिया, 1/2 आ गया डिवाइडेड बाय। यहाँ मैंने कहा था कि 1 लिखे या नहीं लिखे कोई इशू नहीं है, तो यहाँ मैंने 5 लिखा, इसके साथ क्या बची वैल्यू, 3 बची है। अच्छा यहाँ माइनस का 2 था और ये माइनस का 3, तो माइनस का 2 माइनस के 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर आया 3। अब देखें, अब ये वाले 3 को हम किस तरह ख़त्म करेंगे, ये आप देखें, यहाँ 6 का 2 है, यहाँ 5 कितनी पावर लिए हुए, यहाँ कुछ नहीं तो वहाँ 1 है। क्लियर, अच्छा अब हम यहाँ करेंगे क्या, क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 5 को, किस फॉर्म में, 2 फॉर्म में डिवाइड कर देंगे, 5 की पावर को डिवाइड कर देंगे या 2 कर देंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई पर 5 की पावर 1 दे देंगे, जिसकी वजह से 5 1 5 1 हमारे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ 5 की पावर 2 रहोगे, यहाँ 6 की पावर 2 रहोगी रह गए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम
सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव, फाइव की पावर टू, वन अपॉइंट टू, ये बचा है। अब हम इसको इन दोनों वैल्यूज पे अप्लाई होगी, किस तरह होगी देखिए, टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉइंट टू, फाइव मल्टीप्लाई बाय वन अपॉइंट टू, अब टू वन जे टू, टू वन जे टू, टू वन जे टू, टू वन जे टू, तो यहाँ हमारी क्या वैल्यू बची, सिक्स अपॉइंट फाइव, क्लियर। अच्छा अब देखिए, हम चाहें तो यहीं तक स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको यहीं तक आंसर स्टॉप करेंगे जब भी ठीक होगा, अदरवाइज अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद भी इसका आंसर लिख सकते हैं, डिवाइड करके आंसर भी निकाल सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। तो मैं डायरेक्ट, अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, वन होल नंबर आएगा हमारा, वन डिवाइडेड बाई फाइव, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो समझ आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।